पीछे हो जाओ, पीछे 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 जाओ भैया भैया, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, शॉट खराब हो गया। अच्छा इनको एक फोटो दे दो, वही मैं बोल रहा था। अच्छा मुझे लगा ये अलग से ले रहे हैं। सर ओके सर, जैसे कि ये आफ्टर फोटो जिगाड़ो के बाद तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा अच्छा ही लगता है जब फिल्में शुरू होती हैं, और अभी आप लोग पिछले हफ्ते आए थे जब दूसरी फिल्म शुरू हुई थी, पहली हुई थी एक्चुअली, ये दूसरी फिल्म है। आज फर्स्ट डे ही है हम लोगों का, तभी भी फर्स्ट डे था, तो मैंने सोचा अभी अच्छा है, कॉमेडी नाइट्स शुरू हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। आज कॉमेडी नाइट्स की रेटिंग्स भी आई, मैं आपको बताऊं, नंबर वन नॉन फिक्शन शो है हमारा इंडिया का, तो वो भी बहुत खुशी की बात है। अभी एक दो फिल्में भी शुरू हो गई हैं, तो अच्छा लग रहा है डेफिनेटली। टाइटल इसका कुछ अलग सा है, इसका टाइटल बदलेंगे हम लोग, क्योंकि झुंझुना मुझे पसंद नहीं, मैंने डायरेक्टर साहब को बुलाया है चुपचाप, टाइटल बदल दो। आई थिंक टाइटल बदलेंगे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, एक वो चलाता हूँ, पेपर चलाता हूँ, मीडिया रिलेटेड कहानी है, तो उसमें कॉलम आता है जो शर्मा जी लिखते हैं, जो जिसमें सेक्स रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, तो उसकी वजह से मेरा पेपर चलता है, तो शर्मा जी को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे यू नो लकी मैस्कॉट होते हैं, और उनकी यंग बीवी है जो मुग्धा गोडसे, जो मेरी हमारी हीरोइन है फिल्म की, वो यंग लड़की से उनका उनकी शादी होती, तो उनको ऐसा लगता है कि लगता है, ऐसा होता नहीं है कि मेरा और उनकी बीवी का चक्कर चल रहा है, तो उसमें क्या क्या सिचुएशंस आती हैं, तो उसमें ह्यूमर निकल के आता है। तो ये डांस वांस भी हो रहा है, डांस किस जश्न में हो रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, ये तो हेमंत पांडे गुंडा है, उनको छेड़ देता है मुग्धा गोडसे को, तो मैं बहुत मारता हूँ इसको, तो शर्मा जी कहते हैं कि नहीं उसको तुम छुड़वाओ जाके, और शर्मा जी की हर बात माननी पड़ती, तो वो हेमंत गुंडा है उसको मैं छुड़वाने के लिए कोर्ट के अंदर आया हूँ, और सीक्वेंस वही शूट करें जहाँ पर वो आया, वो तो खुश है
गुंडा है छूट गया, उसकी माँ है इमानी शेपुरी, तो ये लोग सब नाचते हुए जश्न मनाते हुए जा रहे हैं। सर थोड़ा सा अपने किरदार के बारे में बता दीजिए। मेरा सीधा साधा कैरेक्टर है, सिंपल सा, जैसे मैं हूँ। शौना भी है जैसा कि मैं हूँ, थोड़ा शरारती भी है जैसा कि मैं हूँ। तो मेरे जैसा ही ये कैरेक्टर, शर्मा जी को पटा के रखने वाला, स्मार्टली सब चीज़ें करने वाला, लेकिन ये लोग फिर उसमें फंस जाते हैं। फंस जाता हूँ वहाँ पर जहाँ पर शर्मा जी शक करने लगते हैं। अब मुझे अपनी पेपर में उनको काम भी करवाना है और ये भी बताना है कि उनकी बीवी के साथ मेरा चक्कर नहीं है। तो उन सब चीज़ों में सिचुएशंस जो आ रही हैं, सिचुएशनल कॉमेडी है। सर जैसे कि अभी आपने रेटिंग की बात करी थी, तो साथ ही साथ में सर कपिल का भी शो आ रहा है, उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? कपिल की भी भगवान करे बहुत रेटिंग्स आएँ और वो बढ़िया काम करें। हम दोनों की रेटिंग्स आए, मैं कहूँ हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, कपिल का शो आएगा, उनको भी मज़ा आएगा क्योंकि हम उनको टफ कॉम्पिटिशन देंगे और दे रहे हैं, और हमको भी मज़ा आएगा कि वो हमें टफ कॉम्पिटिशन देंगे। तो कॉम्पिटिशन में पता है क्या होगा कि दोनों का अच्छा काम हो जाएगा। सर मतलब कितना एक्साइटेड है हम लेकर कि हाँ कि अब कोई तो मतलब कॉम्पिटिशन देने वाला। अच्छी बात है क्योंकि कॉम्पिटिशन कपिल को हम ही दे सकते हैं और हमको सिर्फ वो ही दे सकते हैं, और कोई पैदा ही नहीं हुआ है कोई, बताओ टेलीविज़न में ना कोई टीम है ना कोई प्रोडक्शन है जो आई थिंक, और पैदा हो जाए आने के लिए मैं आगे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो अच्छी बात है कि हम दोनों टफ फाइट कर रहे हैं, एक तरफ संजय लीला बंसाली की देवदास है, दूसरी तरफ बाजीराव मस्तानी है। तो जब दोनों का क्लैश होगा तो मज़ा बहुत आएगा, पब्लिक को बड़ा मज़ा आएगा। और सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अपकमिंग मेरी आज ही, मेरा एक पता नहीं कब टेलीकास्ट होगा, लेकिन आज 10 मार्च है जब इंटरव्यू, आज 8 बजे हिस्ट्री चैनल पे मेरा एक नया शो लॉन्च हो रहा है, OMG है मेरा इंडिया। तो वो भी मैं ऑडियंस को कहना चाहूँगा कि देखें आप लोग, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग शो है हिंदुस्तान के बारे में। और हिमानी जी यहाँ पर हैं, फर्स्ट डे हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। हिमानी जी ने मामा के साथ बहुत सारी फिल्में की, तो मैंने काम नहीं किया था हिमानी जी के साथ, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पहली बार आप काम कर रहे हो, तो कैसा मतलब लग रहा है कृष्णा के साथ काम करके? ही हैज़ आई मीन काम करने से पहले मैंने इनको बहुत देखा है, एंड आई एम अ फैन ऑफ हिज बिकॉज ही इज सच अ गुड लुकिंग एक्टर, एंड टाइमिंग इनकी वही, आई थिंक ही इज गॉट द टाइमिंग ऑफ चिची, एंड डांसर भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और मैंने इनके इतने शोज़ देखे, एंड आई एम सो हैप्पी, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर दैट ही विल रियली रियली, he has got a bright future which I think everybody knows, the people thank love you, him ma'am. Thank you, God bless, thank you very much. मज़ा आता है, हम देखते हैं, रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल में मैं अभी, हमने आज पहली बार सीन किया, तो ये होता है ना कि जब सीनियर एक्टर्स होते हैं, इमानी जी ने थिएटर भी इतना किया हुआ है, थिएटर भी बहुत किया आपने, तो वो इम्प्रोवाइजेशन वो चीज़ें, तो हर आदमी सीखता है, तो लर्निंग भी है और मज़े भी करते हैं, इन्जॉय भी करते हैं, और इट्स लाइक अ फैमिली ओनली। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं फ़र्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, वो इतना देखा भी हुआ है ना, तो और घर में देखा, मतलब घर की फिल्मों में देखा हुआ है मामा के साथ, कहने का मतलब, तो इट्स फन, मज़ा आता है, वो ऐसा नहीं लगता कोई अलग है, ऐसा लगता अपने ही लोग मिले हुए हैं आज।